हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो गाइस, आज जो हमने वेट लॉस ब्रेकफास्ट की तीसरी जो हमने रेसिपी बनाई है, तो चलिए गाइस देखिए इसको हमने कैसे बनाया और इसे बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है। सो गाइस, आज ये है थर्ड वेट लॉस चीला रेसिपी। तो इसके लिए हम लेंगे हाफ कप ओट्स। यहाँ पर हम ओट्स का चीला बनाने वाले हैं, ये भी बहुत हेल्दी होता है। और इसमें हमने कुछ मसाले डाल देने हैं अपने टेस्ट वाइज। तो हाफ टी स्पून हम रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं इसमें, हाफ टी स्पून सॉल्ट ले लेंगे। और अब इसमें लुक वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा पानी और डाल देंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। और चीजें मिलाएंगे, अब इसे देख ले। इजी तरीके से बनाना है इसको। ऐसे अगर सोक कर देंगे तो भी अच्छे से हो जाएगा पानी में, और चाहे तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं, इसका फ्लोर बना सकते हैं। तो अब इसमें हमने कुछ टेस्ट वाइज अपनी सब्जियां ऐड करनी है। ये जो है वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है चीला, चीले का नाश्ता। भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे थोड़ा पानी और डाल देंगे। चलिए अब इसे पैन में डाल के इसको फटाफट से बना लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे अभी हमने गैस चूल्हे पे पैन रख दिया और इसमें 2 से 3 ड्रॉप मैंने ऑयल डाला। अभी गैस चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया। और अभी यहाँ पे हमने ब्रश से इसको स्प्रेड कर लेना है ऑयल को जो मैंने डाला था। हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है, ना मीडियम रखना है ना हाई रखना है। अभी पहले हमने इसको जो बैटर तैयार किया है ओट्स का ना, उसको पहले स्प्रेड कर देंगे पैन में इस तरह से। इसको स्प्रेड कर देना है हमने, बस एक लैडल ही मैंने लिया था 1 चम्मच। अब इसे कवर कर देना है और गैस की फ्लेम अब मीडियम कर देंगे। तो इसे कवर कर देते हैं, बस 1 से 2 मिनट तक इसे हमने पकने देना है। अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। मैंने इसे 2 मिनट तक पकने दिया था मीडियम लो फ्लेम पे। तो अब यहाँ पे साइड में निकल नहीं रहा है, इसे थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप ऑयल डाल देंगे तो आसानी से ये निकल आएगा। इसको पलट देंगे, यहाँ पे हमने 2 से 3 ड्रॉप ऑयल इसमें साइड में डाल देना है। तो मैंने तो ऐसे पलट दिया, इसको फ्लिप कर दिया, बट आप चाहें तो स्पैचुला से पलट सकती हैं। इस तरह से ट्राई नहीं कीजिएगा, गिर सकता है। अभी पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैंने बिना स्पैचुला का ही इसको फ्लिप किया है, बस। अब इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है, अब इसे पकने देना है 1 से 2 मिनट तक बिना कवर किए हुए। अब इसे कवर नहीं करेंगे, जब फर्स्ट टाइम इस पर डालते हैं पैन में बैटर तब कवर करके पकाना है, और जब फ्लिप कर देंगे उसके बाद अनकवर कर रखना है। तो साइड ये देखिए, दोनों साइड ही अच्छे से पक गया है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से दूसरा वाला भी बना लेते हैं। अब इसे भी कवर कर देते हैं, इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे इसको। इसमें भी हमने कवर इसका हटा के इसमें हल्का सा ऑयल इसको कुछ ड्रॉप डाल देना है, और इसको भी फ्लिप करेंगे इसी तरह। तो 1 से 2 मिनट तक
बिना कवर किए पकने देते हैं मीडियम लो फ्लेम पे। तो गाइस फाइनली हमारा जो है ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, चीला बन गया है और यहाँ पे हमने सर्व कर दिया दही के साथ। तो गाइस जो हेल्थ कॉन्शियस है उन्हें हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइए खाइए, हेल्दी रहिए। और इसके जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। और अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की हेल्दी रेसिपीज़ के लिए।